भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा रांची महानगर एवं रांची ग्रामीण जिला ने राजभवन के समक्ष अनुसूचित जाति समाज के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने के विरोध में एक दिवसीय धरना दिया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर जीतू चरण राम ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं और कई पंचायत में अनुसूचित जाति की सीट आरक्षित है, लेकिन प्रत्याशियों के पास जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण वे चुनाव में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि सरकार अगर समय रहते अनुसूचित जाति वर्ग के आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र समय पर निर्गत नहीं करती है तो आने वाले समय में अनुसूचित जाति समाज सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने को बाध्य होगा। सभी जिला मुख्यालयों में जिला के बैनर तले उनके अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्य रूप से विषय यही है कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग का और पिछड़ी जाति वर्ग का जाति आवासीय प्रमाण पत्र जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को अस्थायी जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की घोषणा की, उसी तर्ज पर हम लोग आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति और पिछड़ी वर्ग के जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश कराएं, क्योंकि आज अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। प्रखंड मुख्यालय में लगभग 4000 से ज़्यादा पेंडेंसी है और लोग जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र नहीं बना पाने की स्थिति में समय पर नामांकन नहीं ले पा रहे हैं और उच्च शिक्षा में जाने से वंचित हो रहे हैं। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी शामी की रिपोर्ट।